अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर देते हैं, यानी आप जो है अभी अभी अपने 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर लिए हैं और अब आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर देते हैं, तो इसके लिए आपने ये सेटिंग ज़रूर ज़रूर लाजमी करनी है ताकि आपका CTR जो है वो मेनटेन हो सके शुरू ही से। और इसके बाद जो है आपने इसको ये सेटिंग जो है आपने क्या करना है 10 दिनों के लिए कि आपने अपनी सारी की सारी वीडियोज़ की, या अगर सारे की नहीं कर सकते तो बेहतर रहेगा कि आपकी सारी वीडियोस की जो है आपने क्या करना है कि स्केपेबल वीडियो एड जो है और ओवरले एड जो है उसको आपने आप रखना है शुरू में 10 दिनों के लिए। इसके बाद जब आप 10 दिन जो है गुजर जाए तो आप सारे के सारे वीडियोस की जो एडवर्टाइजमेंट है एड से वो फिर से ऑन करें। तो इस तरीके से आपका CTR मेंटेन रहेगा और आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए शुरू में ये जो है 10 दिनों के लिए ये सेटिंग ज़रूरी ज़रूर करें। लेकिन अगर आप सारे वीडियोज़ पर नहीं करना चाहते तो जो भी पॉपुलर वीडियोज़ हैं 3 वीडियोज़ उस पर करें। 3 वीडियोस से जो है स्किपेबल वीडियो एड्स और ओवरले एड्स उसकी आप करें, और जो भी आपके रिसेंट 3 या 5 वीडियोस हैं उस पर जो है आपने ये सेटिंग करना होगा। ये 2 एड्स आपने आप रखने होंगे और इसके बाद जो भी आप वीडियोस अपलोड करते हैं 10 दिनों के लिए उसको भी आप इस सेटिंग के थ्रू करें, यानी उसकी भी स्किपेबल वीडियो एड्स और ओवरले एड्स को आप रख लीजिए। इसके बाद 10 दिनों के बाद फिर से ऑन करें तो इंशाल्लाह आपका CTR मेंटेन रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ छोटे वीडियो को पसंद, वीडियो पसंद तो प्लीज़ को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब को जरूर जरूर दबाए, बिल्कुल फ्री है, एक भी इसका पैसा नहीं लगता। तो अब एक सेकंड निकाल लीजिए, उसको प्रेस कर लीजिए।